ये अवान मफलूज हो गया है क्योंकि ज़ैनब अलर्ट बिल पे बगले बजाने वाले जो रेप ऑर्डिनेंस है उसकी जगह बिल नहीं ला सके और उसी को एक्सटेंड करे जाते हैं। यानी ऑर्डिनेंस हमें बताएगा कि हमने रेप के विक्टिम्स के साथ क्या करना है, फिर आप मुझे बताइए कि ये रेप ऑर्डिनेंस ने कितने रेप के को रेपिस्ट को सजा दी है। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान ने फरमान क्या किया, ये रोबोट्स वाला ये क्या बात किया इन्होंने कि जी औरतों के कपड़ों पे मर्द रोबोट्स जो है वो जिंदा हो जाते हैं। मेरी बात सुने, जो कब्र से निकाली हुई औरत होती है, मुर्दा औरत है, जो 3 साल की बच्ची है जो डायपर से नहीं निकली, और दूसरी बात सिर्फ बच्चियों और स्कूल, जो स्कूल के यूनिफॉर्म की बच्ची है उसने कौन सा कम कपड़े पहने हुए, क्या बात कर रहे हैं, ये जहन है, ये कपड़े नहीं जहन है। दूसरी बात ये है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी का बच्चा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रेप हो जाता है 24 साल का, जवाब दें। अभी अभी जो एक मुफ्ती साहब ने रेप किया उसका जवाब दें। मेरे अपने हलके में इतने लड़कों के रेप होते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसका जवाब दें। ये क्या आप अजीब सी रोबोट्स की बात लेके इंटरनेशनल मीडिया में चले जाते हैं, क्या तक एक मजाक बन चुका है इस आपका तो।